उनको बड़ा मज़ा आता है जब किसान का बेटा लाठी खाता है तो देश के मुखिया जो हैं देख के मुस्कुराते हैं कि ये बिहार है। कौन है ये जोगी जी, मुझे पहले मुझे समझाओ ये है कौन जोगी जी, कौन है? मुझे नहीं पता है, मैं तो सिर्फ लालू के लोग हूँ, मैं लालू को जानता हूँ, तेजस्वी को जानता हूँ, मैं और किसी को नहीं जानता हूँ। यह मुकामा नई दिशा और निर्देश देश को और बिहार को देगा। हमारी जो सोच है युवाओं के लिए उसके अनुसार यहाँ से हम जीतेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता। हमने कहा किसानों को बीज देना है तो डोर टू डोर, खाद देना है तो डोर टू डोर। टक्कर होगा, एक सुखिया पहलवान होंगे और एक रियल पहलवान होंगे, कौन सा टक्कर होगा? अभी कहते हो मुसलमानों को भगा दो, कुछ दिन के बाद आप कहेंगे कि बिहार से और देश से दलितों को भी भगा दो। जो किसान की बात करेगा मैं उसे जानता हूँ, जो गरीब की बात करेगा मैं उसे जानता हूँ, जो पिछड़ों की बात करेगा मैं उसे जानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम, कृषि मंत्री सर्वजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आए हुए हैं मोकामा। सर, किस तरह से आप लोग की तैयारी वगैरह चल रही है मोकामा में? तैयारी हमारी नहीं, जनता की तैयारी है। और ये नई बिहार है, ये किसानों का बिहार है। और यह मोकामा नई दिशा और निर्देश देश को और बिहार को देगा। और हमारे जो नेता का विजन है, हम उस विजन पे जनता के पास जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे विजन के अनुसार, हमारी जो सोच है युवाओं के लिए उसके अनुसार यहाँ से हम जीतेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता। सर, मोकामा जो क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि लोग ज़्यादा है, टाल क्षेत्र की अगर बात कर ले तो वहाँ के भी लोगों को आपसे उम्मीद ज़्यादा होगी। बिल्कुल, हमने जो है कल ही, आप कल्पना कर सकते हैं कि पहली बार बिहार में पूरे बिहार के एग्रीकल्चर टीम, चाहे वह प्रखंड स्तर का हो चाहे वह पंचायत स्तर का हो, सबको मैंने बुलाया बापू सभागार में और दिशा निर्देश जारी किया। हमने कहा किसानों को बीज देना है तो डोर टू डोर, खाद देना है तो डोर टू डोर। अब हमारे किसान लाइन नहीं लगेंगे, लेकिन ये समस्या आती है, हमको अगर 10,000 मैट्रिक टन खाद चाहिए तो भारत सरकार 5,000 दे के शांत बैठ जाती है। उनको बड़ा मज़ा आता है जब किसान का बेटा लाठी खाता है तो देश के मुखिया जो हैं देख के मुस्कुराते हैं कि ये बिहार है। तो मेरा उम्मीद है कि बहुत जल्द एक नई पॉलिसी हम टाल के लिए, जो टाल के इलाके हैं, जो बाढ़ के इलाके हैं, ये सब जगह के लिए एक नई पॉलिसी मैं ला रहा हूँ। और उसमें क्या हमारा खेती का जो है कौन सा सिस्टम होगा, कैसे कौन सी खेती करेंगे, क्योंकि ये बाढ़ की समस्या और सुखाड़ की समस्या, ये जलवायु परिवर्तन, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। उसके अनुसार पॉलिसी बन रही है और निश्चित तौर पे मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो टाल इलाके में लोग रहते हैं उसको मैं फ़ायदा पहुँचाऊँगा। सर, सुनने में आ रहा है कि जोगी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं और कमल का फूल वो खिलवाने। कौन है ये जोगी जी, मुझे पहले मुझे समझाओ ये है कौन जोगी जी, कौन है? मुझे नहीं पता है, मैं तो सिर्फ लालू के लोग हूँ, मैं लालू को जानता हूँ, तेजस्वी को जानता हूँ, मैं और किसी को नहीं जानता हूँ। जो किसान की बात करेगा मैं उसे जानता हूँ, जो गरीब की बात करेगा मैं उसे जानता हूँ, जो पिछड़ों की बात करेगा मैं उसे जानता हूँ, हम बस उसी को जानते हैं। किस बात का टक्कर? किस बात का, मुझे समझाइए, कौन सा मुद्दा लेके वो आएगा जो टक्कर होगा? हमें आप ब्रीफ कर दीजिए, आप पत्रकार हैं, कौन से मुद्दा पे टक्कर होगी ये मुझे समझाइए। अब मैं ठेठ बिहारी में बताऊं कि ये पहलवान को मैं लाता हूँ, एक सुखिया पहलवान को लाता हूँ, आप पूछेंगे दोनों में टक्कर है क्या? होगा, टक्कर होगा, एक सुखिया पहलवान होंगे और एक रियल पहलवान होंगे, कौन सा टक्कर होगा? मैंने पहले बताया कि हम विजन पे काम करते हैं, हम जो वादा करते हैं हम उस पर काम करते हैं, और उसी के बीच में मैं जनता के बीच में जाता हूं कि मैं आपके लिए ये काम किया हूं, हमें मदद करिए, यही है हमारा। हम धर्म को नहीं बांटते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम सिख ईसाई नहीं करते हैं, हमारे लिए हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो सब मेरे भाई हैं, पिछड़े हों ऊँचे जाति के लोग हों सब हमारा भाई है। यह देश सबका है ना, यह देश सबका है। कभी कहते हो मुसलमानों को भगा दो, कुछ दिन के बाद आप कहेंगे कि बिहार से और देश से दलितों को भी भगा दो। कभी कुछ काम वाम तो करना है नहीं, कभी मुसलमान को भगा दो, कभी दलितों को भगा दो, कभी इसको भगा दो, कभी उसको, ये इनका जो है
काम है, जनता समझती है और मुझे पूरा भरोसा है मोकामा की जनता पे कि उनका जो निर्णय होगा उससे एक नई दिशा तय करेगी राष्ट्रीय जनता दल के लिए। बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये लोग चुनाव के लिए क्षेत्र में निकल रहे हैं और इनका कहना है कि अगर यहाँ पर योगी आए या कोई भी आए इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ की जनता है जो सबको जानती है और जो है वही स्वीकार करेगी। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।